गए फॉरम गैलेरिया और आज एक बार फिर आ गए हैं हम लोग यहाँ पे फूड कोर्ट में। तो फूड कोर्ट में आज हम लोग आए हैं स्पाइस हेरिटेज में। तो स्पाइस हेरिटेज में सुने कि खाना बहुत ही अच्छा थाली मिलता है जो कि पूरा घर जैसा और बहुत ही यम्मी और टेस्टी। तो आज हम लोग उसी का टेस्ट करेंगे और मेरे साथ में तो आप जानते हैं कितना फूडी है राहुल। राहुल भी मेरे साथ में आया हुआ है और ये कितना फूडी है आप लोग जानते ही हैं। तो बस इसका था क्या ना, तो चलते हैं। संडे है, संडे को तो इसको मतलब कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही है ना। संडे को मतलब कुछ चाहिए, इसका एक बहाना कि चलते हैं कुछ पिए कर लेते हैं। तो बस इसीलिए हम लोग आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं। संडे नहीं, आज सैटरडे है। डेली तो घर का ही खाते हैं, तो एक दिन खाने से क्या हो जाएगा। तो बस इसीलिए हम लोग आ गए हैं और चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो हमको तो आज थाली, यहाँ का थाली सुने बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे भेज, नॉन वेज हर तरह का थाली मिलता है, पर हम लोग आज भेज थाली खाएंगे। और यहाँ का रोल भी, पनीर रोल वगैरह सब कुछ सुने बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं, तुम क्या क्या ऑर्डर करने वाला था? छोला भटूरे। अच्छा, तो छोले भटूरे खा रहा है। अच्छा, इसको आज छोले भटूरे खाने हैं, तो ये छोले भटूरे खाएगा। तो चलिए चलते हैं, उस यहाँ का खाना कैसा उसके बाद में आपसे मिलती हूँ और उसका रिव्यू देती हूँ। और ये रहा यहाँ का स्पाइस हेरिटेज, जो आप देख सकते हैं आज बहुत ही काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम लोग भी बस यहाँ पे चलेंगे और चलते हैं, देखते हैं यहाँ का कैसा फूड मिलता है और यहाँ का फूड का कैसा टेस्ट है, ये सब कुछ मैं बताऊँगी स्पाइस हेरिटेज का। और चलिए उससे पहले मैं इसका पूरा ही ये दिखा दूँ। तो ये आपको मैं पहले भी इसका ये शेयर कर चुकी थी, लेकिन इसके पहले मैं क्या बोलते हैं बिगेस्ट बर्गर कर दी थी जो कि इसके बगल में ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए दिवाली का टाइम है, तो किस तरह से दिवाली की तरह बिल्कुल बहुत बढ़िया सा यहाँ पे सजावट लाइटिंग का किया गया है ना। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। और आज के दिन में बहुत भीड़ है, उसके बाद में राहुल गया हुआ है वहाँ पर ऑर्डर देने के लिए। राहुल अभी ऑर्डर दे करके आएगा, तो फिर देखेंगे। और इसका मेनू वगैरह देखिए, छोटा सा जगह पे बना है और यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया गया है जिसके जो कि इसका स्क्रीन पे ही ये सब कुछ शो होता है। और ये देखिए रेट के साथ में जो आपको आइटम खाना है जो भी है। और ये देखिए रोल जो कि पनीर टिक्का रोल जो कि मैं आज खाने वाली हूँ। और इसको देख करके किसको मन नहीं ललचाए है ना, ऐसे स्क्रीन पर लग रहा है कि सब कुछ खा ले। तो आज हम लोग ना बहुत सारा चीज़ यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पर बेलपूड़ी वगैरह सब कुछ, पानी पूरी और पापड़ी चाट वगैरह सब कुछ। और उसका ये देखिए यमी यमी वो जो पानी, खट्टा मीठा पानी तीखा वाला सब कुछ यहाँ पे कितना बढ़िया से रखा गया, देख करके ही मुंह में पानी आ जाए। और स्क्रीन पे जो ये शो हो रहा है ना, देख करके तो मतलब लग रहा है कि सब कुछ ऑर्डर कर लूँ, खा लूँ। और ये देखिए उसके बगल में ही बिगेस्ट बर्गर, जिसका मैं पहले भी बना चुकी हूँ वीडियो। तो अगर आप भी अब तक आप वो वीडियो बिगेस्ट बर्गर वाला नहीं देखे तो आप लोग प्लीज़ एक बार जा करके बिगेस्ट बर्गर वाला वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें कि आपको यहाँ का सब कुछ डिटेल्स में दिखा चुकी हूँ और आज भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और जस्ट उसके बगल में यहाँ पे ये पिज्ज़ा हट था, जिसमें कि यहाँ भी कुछ ऑफर लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ये था। लेकिन आज हम लोग पिज्ज़ा वगैरह नहीं खाएंगे, आज हम लोग ये डिनर का टाइम था क्योंकि यहाँ पे रात में ना हम लोग यहाँ मार्केटिंग करने आए थे, तो हम लोग को लेट हो गया, तो सोचे कि यहाँ पे डिनर करके ही जाएंगे। और क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, दिवाली वगैरह सब कुछ है पास में है ना, तो हम लोग दिवाली के लिए यहाँ शॉपिंग वगैरह भी तो करने फिर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी से हम मेरा शॉपिंग तो शुरू हो गया, आप लोगों का शुरू हुआ कि नहीं बताइएगा। और यहाँ एक मैं थाली लगवा रही थी जो कि सिंह जी के लिए, और थाली भी यहाँ पर इनका पूरा पेट पूजा वाला थाली था जो कि भर वो इतना ज़्यादा था कि मतलब एक आदमी खाना इम्पॉसिबल था है ना। तो ये देखिए मैं तो वैसे भी सबके थाली में से, राहुल जो लेगा उसमें से भी और सिंह जी वाले में से, मैं हर किसी के थाली में से थोड़े ना मतलब शेयर करके खा लेते हैं हम लोग है ना। मैं तो ज़रूर जो भी कोई कुछ भी घर में भी ऐसे छोड़ता है ना, तो मैं खा लेती हूँ। और ये देखिए थाली में इतना ही बढ़िया था, यहाँ पर थाली में बता दूँ आपको, पनीर का सब्जी था, एक मिक्स सब्जी था और एक रसगुल्ला था, सैलड था, रायता था और पापड़ था और नान था। तो इतना सारा ये देखिए कंप्लीट थाली हम लोग का हो गया। और यहाँ पे राहुल अपने छोले भटूरे के लिए यहाँ पे खड़ा था, तो राहुल का छोले भटूरे भी यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ गया छोले भटूरे का, और ये मैं ले लेती हूँ। खाना के साथ में राहुल का स्पाइस ना हो ऐसा ना हो सकता है। चलो राहुल आ जाओ। तो बस चलिए चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ये देखिए थाली आ गया है जो कि छोला और भटूरा। तो यहाँ पे दो पीस भटूरा और यहाँ पे कुछ प्याज दे दिया है, और यहाँ पे ये देखिए छोले दिए हैं और कुछ यहाँ पे अचार और छोला है और यहाँ पे मैगी है। तो बस खाओ राहुल है ना। और राहुल का यहाँ पे दो टू यहाँ पे स्पाइस लिया है जो कि राहुल का पापा और वो खाने वाले हैं।
एकदम टेस्टी है। और छोले भटूरे काफ़ी टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी लग रहे छोले भटूरे। और उसके साथ में जो अचार मिला है, उंगली चाट के खाने का और हाथों से खाने का मज़ा ही कुछ अलग है ना। तो बस पांच उंगली पांचों तत्व बोला जाता है। हाँ, जब भी आइए हाथ से खाइए चाट चाट करके, और अचार चाट के खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। चलो, और अभी हम लोग छोले भटूरे खा लिए हैं और यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग का पनीर टिक्का रोल का। और यहाँ पे देखिए दिनसो का आइसक्रीम जो खुलने वाला था ना, वो भी यहाँ पे ओपनिंग हो गया है। और यहाँ पे दिनसो का आइसक्रीम का पूरा सारा वैरायटी यहाँ पे रखा हुआ है। और राहुल गया है फिलहाल पनीर टिक्का रोल लाने के लिए, और थाली यहाँ स्पेशल आया था सिंह जी के लिए, तो सिंह जी थाली भी खा लिए, थाली भी काफ़ी टेस्टी था। अब देखते हैं पनीर टिक्का रोल का क्या टेस्ट होता है और वो कैसा लगता है ना। तो फिर चलिए चलते हैं, पनीर टिक्का रोल अभी राहुल फिलहाल लेके आते हैं। छोले भटूरे कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, जैसा सोच के आया था वैसा लगा। हाँ सही था, ठीक ही था। हाँ, अभी क्या इंतजार कर रहा है और क्या चाहिए? अभी आपका रोल आ रहा है, रोल में ही बहुत टाइम लग गया आपका आने में। तब छोले भटूरे कब से खा लिए और ये रोल लाने में इतना टाइम लग रहा है, देखो कितना इतना भीड़ लगा हुआ है, इसी में बहुत मना कर सकता था। फाइनली आपका रोल आ गया। फाइनली मेरा रोल आ गया है, पनीर टिक्का रोल मेरा फाइनली आ गया। और उसके साथ में ये सॉस मिला है और ये टिश्यू पेपर मिला है और ये देखिए। तो चलिए रैप को रैप बहुत बहुत मस्त वाला रैप किया गया है और इसको चलिए खोलते हैं, खोल करके देखते हैं ये कैसा बना है। अंदर में बहुत सारा पनीर फिर मैंने डाला गया है, पूरा भर भर के पनीर पूरा भरा हो गया है और काफ़ी ही स्पाइसी और टेस्टी बनाया है यहाँ पे पनीर, बढ़िया मस्त बना है। तो फाइनली हम लोग का खाना पीना हो गया और यहाँ पे सही में फॉरम गैलेरिया का फूड कोर्ट में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे स्पाइस हेरिटेज में जरूर एक बार यहाँ पे खाइए, क्योंकि यहाँ पे इतना ही यमी और टेस्टी खाना मैंने हमें तो खाई, तो मेरे को पनीर टिक्का रोल सबसे ज्यादा अच्छा लगा, छोला भटूरा भी बहुत अच्छा था और थाली भी काफी अच्छा था। तो सब में ना एक ठू सच में सच बताऊं तो घर का टेस्ट आ रहा है, एक घर में जैसे हम लोग बनाते हैं ना तो एकदम कम तेल मसाला में बिल्कुल उस टाइप का टेस्ट आ रहा है और बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग जब भी आए फॉरम गैलेरिया तो एक बार यहाँ पे स्पाइस हेरिटेज में जरूर आए, फॉरम गैलेरिया थर्ड फ्लोर में फूड कोर्ट में। आई होप आप सब भी मेरे साथ में एंजॉय किए होंगे। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।